आपको याद होगा जैसे बीएसपी बनी, बीएसपी से पहले बामसेफ बनी। बामसेफ हमारे नौकर पेशा लोगों का संगठन था, उसमें वो नौकर पेशा लोग चंदा लिया करते थे, वो चंदा इतना होता था उसी से आंदोलन चलते थे, उसी से राजनीतिक पार्टी बीएसपी बन गई। आज तो चंदा देने वाला मिडिल क्लास भारत की सरकार ने मनुवादियों ने साजिश के तहत उस क्लास को ही खत्म कर दिया। जब आप नौकरियों में नहीं होंगे तो मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा, जब मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा तो चंदा देने वाला बचेगा नहीं, जब चंदा देने वाला बचेगा नहीं तो आपका संघर्ष का जो जो, जो संघर्ष वाला जो रास्ता था, जो हमारी हमारी संस्थाएं जो संघर्ष किया करती थी बिना पैसे के, पैसे के अभाव में, वो कितने दिन संघर्ष कर पाएंगी, ये सवाल अपने मन से पूछिए। ये सवाल अपने मन से पूछिए कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हमारे लिए अपना जीवन जलाया था, क्या हमने जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर देकर गए उसको बचाए रखने के लिए कोई संघर्ष किया क्या? हमारे सबके आपके सामने तो सब कुछ बिका है, तो फिर हमने किया। बेशक से इस षड्यंत्र में कोर्ट को भी शामिल कर लिया, जैसा ओम सुधा जी बता रहे थे, जो 1 अगस्त 2024 को जो जजमेंट आया उस जजमेंट में ऐसे मुद्दे भी डिसाइड कर दिए जो मुद्दे कोर्ट के सामने विचाराधीन ही नहीं थे। कौन सा सर्वे था भाई? अभी तो तुम्हारे पास ये डाटा ही नहीं है किस जाति की कितनी जनसंख्या है और किस जाति के किस तरह की नौकरी में कितने लोग आए, ए ग्रुप में कितने, बी ग्रुप में कितने, सी ग्रुप में कितने, डी ग्रुप में कितने, अभी तो तुम्हारे पास वो डाटा ही नहीं है। और मैं तुम्हें एक मजेदार एक डाटा मैं आपके सामने रख दूं, मुझे लगता है मेरी जेब में शायद मिल जाए और आप देख के चौंक जाएंगे कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हमें सच्चाई का पता ही नहीं है, हम लोग सच्चाई को न जानना चाहते हैं न पढ़ते हैं और दूसरे चक्करों में इन्वॉल्व हो गए, इसलिए सच्चाई से कहीं ना कहीं हम लोग दूर चले गए। छोटा सा डाटा आपके सामने रखूंगा जो तस्वीर क्लियर कर देगा कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर तो कोई डाटा था नहीं। सुप्रीम कोर्ट को तो जो तस्वीर आरएसएस की जो सोच थी वो सोच को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने व्यक्त कर दिया। हमारे आपस में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को लड़वाने का इंतजाम कर दिया, फूट डालो और शासन करो, कहते ही अंग्रेजों की नीति थी। डॉक्टर साहब ये अंग्रेजों की नीति नहीं थी, ये मनुवादियों की नीति हजारों साल से चली आई है, फूट डालो शासन करो। देश के 10 जो बड़े बैंक है भारत के, उसमें चीफ जनरल मैनेजर की 147 वैकेंसी हैं। इन 147 वैकेंसियों में 135 जनरल कैटेगरी के हैं, तो हकमारी किसने की है? 147 चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट पे 135 जनरल कैटेगरी के, यानी 92%। क्या एससी एसटी में काबिल लोग नहीं है? काबिल हैं, लेकिन वहां आप रिजर्वेशन से नहीं पहुंच सकते, अप्रोच से पहुंच सकते हैं। जिसकी सरकार में अंदर अच्छी खासी पकड़ है वो लोग केवल बन सकते हैं। तो 147 में से 135 जनरल और ओबीसी के 3, एससी के 9, एसटी का 0। कह रहे कुछ खास जाति एससी एसटी का आरक्षण खा गई, कहां खा गई? 147 में से 135 तो जनरल कैटेगरी के ले गए, तो किसने खाया, किसने खाया है आपका? स्वर्णों ने खाया। जनरल मैनेजर की 667 वैकेंसी पूरे देश में, 10 बैंक जो बड़े बैंक है भारत के, 667 में से 588 जनरल कैटेगरी के पास है, तो हकमारी किसने की? और मैं सबसे छोटी नौकरी बताता हूं, सबसे छोटी नौकरी स्वीपर की बोलते हैं ना, सफाई कर्मचारी की, सफाई कर्मचारी की 2003 में 73,881 शेड्यूल कास्ट लोग सफाई कर्मचारी की नौकरी पे थे 2003 में। 2021 में कितने रह गए पता है? 2021 में 73,881 में से घटके 14,534 रह गए। और जनरल कैटेगरी के 2003 में 46,445 स्वीपर की नौकरी कर रहे थे स्वर्ण जाति के लोग, 46,645 2003 में, और 2021 में 18,295। यानी कि अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारी 2021 में 14,534, लेकिन स्वर्ण जाति के लोग 18,295।
यानी कि सफाई कर्मचारी की नौकरी पे भी अनुसूचित जाति से ज्यादा जनरल कैटेगरी के लोग नौकरी कर रहे हैं। वो अलग बात है, वो सफाई का काम नहीं करते, पोस्ट तो उनकी स्वीपर की है, लेकिन वो ऑफिस में बैठते हैं। तो डाटा तो मेरे पास बहुत लंबा है, वो सारा डाटा मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोग उपवर्गीकरण की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कोई सुझाव दिया उपवर्गीकरण करोगे कैसे? वैकेंसी निकलती है एक दो, उस पर कई हजार हमारे शेड्यूल कास्ट के काबिल बच्चे अवेलेबल है। अब मान लो दो वैकेंसी निकली, सपोज करो दो निकली उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, और उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा जातियां अनुसूचित जाति में, आपने सपोज करो दो कैटेगरी बना दी, एक में 50 डाल दिए, एक में 50 से जितने बचे 50 से ज्यादा वो बी कैटेगरी में डाल दिए। अब दो वैकेंसी दो कैटेगरी में बांट दी, एक एससी का ए ग्रुप, एक एससी का बी ग्रुप, तो एक एससी के ग्रुप में 50 जाति, तो वो जो एक नौकरी 50 जाति में से किसी एक को मिलेगी ना, एक को मिली 49 जाति तो फिर भी वंचित रह गई। उसी तरह बी ग्रुप में अगर मान लो 70 जाति है, 70 जाति में से वो एक नौकरी किसी एक को मिलेगी, 69 जाति फिर भी रह गई। और उसमें भी फिर एक और बात है, सपोज करो वो नौकरी जूनियर इंजीनियर की है जिसमें क्वालिफिकेशन चाहिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, तो पहली बात तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अनुसूचित जाति की सब जाति में मिलेंगे नहीं, क्योंकि इतने पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग की डिग्री करा दे। अब जो जाति है उनमें से केवल लोग उस एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम में कोई छूट नहीं, एग्जाम तो पास करना पड़ेगा। अब जो बच्चे इन अनुसूचित जातियों के उस एग्जाम में पास करेंगे, पास करने के बाद जो मेरिट बनेगी उनमें से भी केवल दो को नौकरी मिलेगी जो दो जाति के हो सकते हैं, बाकी जाति तो फिर भी रह गई। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है? वो जो अनुसूचित जाति में या जनजाति में आपस में झगड़ा करवा रहे हैं कि तुम्हारा हक तो ये खा गए वो खा गए, अरे जब सरकारी नौकरी बची नहीं है, तुमने सब कुछ ही बेच दिया ठेके पे दे दिया, तो फिर ये लड़ाई क्यों करवा रहे हो? फिर वो उपवर्गीकरण करके करोगे क्या? या तो तुम ये करो जिस तरह इंदिरा जी के टाइम पर, उससे पहले बैंक की भी इंश्योरेंस कंपनी सब प्राइवेट होती थी, उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया तो हमारे लाखों लोगों को नौकरियां मिली, फोर्थ क्लास में हमारे लाखों लोग लगते थे, तो उसको वापस सरकार में ले आओ, आउटसोर्स बंद कर दो, ठेके पे देना बंद करो, सरकारी नौकरी शुरू कर दो, तो कम से कम फोर्थ क्लास में कुछ लाख नौकरी तो मिलेगी, फिर तो एक बार को सबको कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो लेकिन आपकी नीयत देने की नहीं है, सरकारों की नीयत अनुसूचित जाति जनजाति को पिछड़े वर्गों को उनका हक देने की नहीं है। आज अगर देश के अंदर जो विश्वविद्यालय है तो उनके सामने एक सवाल पैदा हुआ कि अब हम अपनी सरकारें चुनेंगे, सरकारों चुनने के लिए वोट डालने का अधिकार किसको होना चाहिए? तो ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य वोट डालने का अधिकार केवल तीन श्रेणी को देना चाहते थे। पहला, जो इनकम टैक्स पे करते हो, दूसरा जो ग्रेजुएट हो, तीसरा जो बड़े जमींदार हो। अब मनुस्मृति के माध्यम से हमारे ऊपर पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी तो हम लोग ग्रेजुएट नहीं बन पाए, हमें व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी तो व्यापारी भी नहीं बन पाए, तो इनकम टैक्स पे ही कहां से बनते और जमींदार कहां से बनते? इसका मतलब देश में और महिलाओं को भी पढ़ने लिखने पर बंदिश थी, संपत्ति पर बंदिश थी, व्यापार पर बंदिश थी। इसका मतलब देश में 95% लोगों को संविधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार नहीं देना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और उन्होंने अपनी विद्वता से, अपनी काबिलियत से, अपने आर्गुमेंट से संविधान सभा को यह बात मानने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, हर आदमी का एक वोट और सबके वोट की कीमत बराबर। लेकिन हमने अपनी उस वोट की कीमत को नहीं पहचाना जो देश की सरकारें बनाती, जो आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण करती। हमने अपनी वोट को 1,000-2,000 रुपए में शराब की बोतल में बेच दिया, छोटे छोटे लालच में बेच दिया। अगर हमने अपनी वोट को कीमत को पहचाना होता, जैसा इस बार हमने अपनी वोट की कीमत को थोड़ा ढंग से इस्तेमाल किया और हमने बहुमत से रोक दिया। समय हो गया तो मैं इस आह्वान के साथ कि आज संकल्प दिवस है, आप सबको मैं संकल्प दिवस की शुभकामनाएं तो देता ही हूं, साथ ही साथ निवेदन करता हूं जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संकल्प था, मैं अपने समाज की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दूंगा। काफी हद तक उन्होंने जंजीरों को तोड़ दिया,
लेकिन संपूर्ण आजादी अभी बाकी है, और संपूर्ण आजादी की लड़ाई हम जैसे कितने लोग लड़ रहे हैं, आप सब लोग एकजुट होकर समाज की संपूर्ण आजादी की लड़ाई को लड़िए। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।